The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, this is Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Welcome back. So you want to gain weight, but you are underweight obviously and you have a lot of risk. Agar aapne वजन गेन नहीं किया तो क्या होगा, क्या क्या रिस्क है, क्या बीमारियां आ जाएंगी और वजन करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों आप वजन गेन नहीं कर पा रहे, क्या कर सकते हो आप, ये सब आज आपको हम बताएंगे. सो बीइंग अंडरवेट इज अ बिग हेल्थ कंसर्न एंड मेनी पीपल, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं. दे आर ट्राइंग, दे आर ईटिंग. मैं बहुत खाता हूं, मैंने बहुत कुछ खा लिया बट मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैंने फलाना ढमकाना भी खा ली और ये भी खा ली वो भी खा ली. सो इफ अ पर्सन इज अंडरवेट द बॉडी ऑब्वियसली चीज है, योर बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स, राइट. इट नीड्स टू बिल्ड हेल्दी टिश्यू, हेल्दी बोन, स्किन, हेयर, योर मसल. सो हेल्दी टिश्यू बनाने के लिए उसके पास इंग्रीडियंट ही नहीं है, न्यूट्रिएंट ही नहीं है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोगों में ये जेनेटिक बैकग्राउंड होता है कि दे हैव सम काइंड ऑफ जेनेटिक मेडिकल इलनेस दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम पुटिंग ऑन वेट. कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम है जेनेटिकली और कुछ लोगों में वेट गेन्स करने के लिए कुछ स्पेशल इंटरवेंशन करने पड़ते हैं. जी हाँ, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे कि क्या कर सकते हो आप अगर आपका एक्चुअली में वेट गेन नहीं हो रहा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट वेट गेन, बट दिस कैन अप्लाई ऑन थिन पीपल, कमजोर पीपल जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, बहुत पतले हैं उनके लिए भी अप्लाई करेगा, राइट. सो व्हेन अ पर्सन इज अंडर वेट, व्हाट डस दैट मीन? ऑब्वियसली अंडर वेट है, ओवर वेट है, ओबेस है, मॉर्बिडली ओबेस है. इसको देखने के लिए जो मेन पैरामीटर है दैट इज बीएमआई. बीएमआई कितना होगा तो आप अंडर वेट है, कितना होगा आप हेल्दी है, कितना होगा आप ओवर वेट. हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया बट देन अंडरस्टैंड इट्स अ गुड मेजर. बीएमआई इज अ गुड मेजर जिससे आपका वेट का कैटेगरी पता चल सकता है, राइट. सो और इसके ऊपर थोड़ा सा आपके हाइट का, वेट का, दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, एक अगर कोई मान लीजिए 90 केजी का कोई पर्सन है, राइट, 170 पाउंड का कोई पर्सन है, वो हो सकता है ओवरवेट ना हो अगर वो काफी लंबे है, राइट. और वही अगर छोटके हैं तो हो सकता है वो भाई साहब ओवरवेट हो. सो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए देर आर मेनी कैलकुलेटर्स. सो एडल्ट बीएमआई कैलकुलेटर्स आप किसी प्रॉपर रेफरेंस जगह से देख सकते हैं. और अगर आपका बीएमआई, आपका हार्ट डालेंगे, आपकी वेट डालेंगे, आप बीएमआई आ जाएगा. सो अगर आपका बीएमआई 18 से कम है, 18 से कम है, तो आप अंडरवेट है, खत्म. 18 से कम आप अंडरवेट हैं. नॉर्मल बीएमआई इज 18.5 टू 24.9. सो 18.5 से कम है तो अंडरवेट है. 18.5 टू 24.9 इज नॉर्मल. 25 टू 29.9 इज ओवरवेट एंड 30 एंड अबव इज ओबेस. बहुत ही मोटे हो, मोटे लोग, ओवरवेट लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, पतले सुकड़े लोगों के बारे में बात हो रही है जिनको कोशिश करके भी वो वजन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है. अगर आप मोटे हैं तो मत देखो, देख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द रिस्क? अगर आप पतले बहुत ज्यादा हो तो क्या रिस्क हो जाएगा? बीइंग अंडरवेट यू विल हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट. इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप का वजन नहीं है. इट्स नॉट लाइक जो अंडरवेट है उनको भी अंडरवेट होने के साइड इफेक्ट होते हैं. जी हाँ, उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं अंडरवेट होने के. हड्डियां कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां एक्चुअली कमजोर हो जाती हैं, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है अंडरवेट वुमेन के. ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क स्टडीज 2016 की स्टडीज में देखे गए हैं कि उनके रिस्क डबल हो जाते हैं अगर वो बोन्स आर ब्रिटल, फक से टूट जाएंगे. हेयर, स्किन, टीथ, दांत, नेल्स, हेयर, स्किन, ये सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जिनको मेन इंपॉर्टेंट नहीं है. तो बॉडी अपने न्यूट्रिएंट्स आपकी मसल्स, आपके हार्ट, आपके लिवर, आपकी किडनी को देती है, इनको छोड़ देती है. तो हेयर खराब होने लगते हैं डेली डाइट में, फिजिकली आपकी स्किन पतली हो जाएगी, हेयर लॉस होएगा, ड्राई स्किन होएगी और डेंटल हेल्थ भी खराब होती जाएगी, नेल्स खराब होंगे. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विथ अ अंडरवेट पर्सन. और बार बार बीमार होंगे. लोग बोलते हैं मेरी इम्यूनिटी कम है. वन ऑफ द रीजन फॉर अंडरवेट पीपल इज दिस. बार बार बीमार होंगे, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन,
वायरसेस बैक्टीरिया को फाइट ऑफ करने के लिए उतनी शक्ति ही नहीं है, उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं है. सो यू विल गेट कॉमन इलनेसेस बार 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 लाइक कोल्ड, कफ, राइट, डायरिया, पेट, वेट, एनी काइंड ऑफ दीज काइंड एंड इवन सीरियस इन्फेक्शन. सीरियस इन्फेक्शन अगर आपके एरिया में कोई मेजर महामारी आएगी तो आपको जल्दी लग जाएगी भाई साहब. सो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड. आप जल्दी थक जाओगे, टायर्ड फील करोगे, हर वक्त थोड़ा सा काम किया थक गए, दूसरे लोगों से कम्पीट नहीं कर पाओगे इफ़ यू आर फिजिकली यू नो कम्पीटिंग विद देम. खून की कमी हो सकती है, एनीमिया, उसकी वजह से फटीग, हेडेक, सर में दर्द, चक्कर आना. एक अंडरवेट पर्सन के अंदर ये ज़्यादा लाइकली है कि ब्लड लॉस, ब्लड, लो ब्लड काउंट हो. फीमेल है तो पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाएंगे भाई साहब, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इरेग्युलर है या आने बंद हो गए हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो रहे, 2 दिन आते हैं, 1 दिन आते हैं, रुक जाते हैं आपके, या फिर कई बार आ ही नहीं रहे हैं, राइट, पहली बार ही नहीं है. इनफर्टिलिटी हो रही है क्योंकि पीरियड ही नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी. सो यू नीड दैट, राइट, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रही अंदर, सो इट स्टॉप्स बिकॉज बॉडी को पहले सर्वाइव करना है, वो सब बाद में, रिप्रोडक्शन बाद में है. सो योर बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स. सो ऑब्वियसली अगर इसके साथ आप प्रेग्नेंट हो जाओगे तो बच्चे को भी बॉडी जल्दी नहीं करती, प्री मेच्योर बर्थ्स हो जाते हैं. प्रेगनेंसी विथ अंडर वेट इज अ हाई रिस्क फॉर प्री टर्म लेबर एंड बिहेविंग लाइक, मतलब पहले 37 वीक से पहले पहले ही आपका बच्चा पैदा हो जाएगा प्री मेच्योर. 9 महीने नहीं पूरे होंगे, 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने, उसमें बच्चे की जान पे डबल रिस्क हो सकता है. इवन अगर बोन की ग्रोथ, खुद की ग्रोथ सही से नहीं होती है, खुद की ग्रोथ, अंडरवेट आदमी की, इंसान की सही से ग्रोथ नहीं होगी. इवन ब्रेन ग्रोथ सही से नहीं होती, ब्रेन फंक्शन आपका खुद का फुल, पूरी की पूरी परफॉर्मेंस, यू नो, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल सब हैम्पर होती है. इसके वजह से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेन वेट. ऑब्वियसली देर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी हेल्दी थिंग्स, हेल्दी, सो मैनी सिंपल वेज, ईटिंग वेज. एक तरीका गेन वेट करने का, एक्सरसाइज करो, जम के खाओ और सो जाओ. बट ऑब्वियसली आप वो कर चुके, राइट, मैनी पीपल हैव ट्राइड, मैं खा चुका, मैंने बहुत खाया पर मेरा वजन नहीं ग्रो हो रहा. सो ऐसे लोगों के लिए फिर आते हैं सप्लीमेंट्स. यस, डॉक्टर्स उनको सप्लीमेंट्स देते हैं, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने सप्लीमेंट्स लेने से अगर आपका वजन बढ़ जाता है, देन यू आर एबल टू डू थिंग्स, देन यू आर एबल टू ईट मोर, क्योंकि आपकी बॉडी को खाना खाने के बाद डाइजेस्ट भी करना है. डाइजेशन इट सेल्फ इज अ वर्क. यस, उसके लिए भी एनर्जी लगती है, वो आपके अंदर कम है, वो ही नहीं है. सो आपके अंदर डाइजेशन करने की भी शक्ति नहीं है, तब डॉक्टर्स भी आपको वेट गेनर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. वेट गेनर, जी हाँ, सी प्रोटीन, वे प्रोटीन इज डिफरेंट, मास गेनर इज डिफरेंट एंड वेट गेनर इज डिफरेंट. वेट गेनर एंड ग्लूकोज इज डिफरेंट. ग्लूकोज तो प्योर ग्लूकोज है, वो सिंपल एनर्जी है, उसमें और कुछ नहीं है. वेट गेनर इज समथिंग लाइक अ मील रिप्लेसमेंट, लाइक अ मील रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 चम्मच पाउडर एक टाइम का, 2-3 चम्मच एक टाइम, 2 स्कूप मतलब एक टाइम के खाने के बराबर है. तो वो आपने खाना भी खाया, पाउडर भी पिया, तो आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, कार्ब्स, प्रोटीन्स डबल मात्रा में चले गए. सो यू गेन वेट. जितना नहीं खा पा रहे हो वो वेट गेनर बढ़ा देता है. मास गेनर और वेट गेनर में फर्क है. प्रोटीन शेक और वे प्रोटीन और वेट गेनर में फर्क है. वे प्रोटीन में ये फर्क है कि उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अ डेली डाइट. आप रोटी खाते हो, रोटी में 7% प्रोटीन है, राइट. एक वेट गेनर में 7 to 12-15% तक प्रोटीन हो सकता है, एक मास गेनर में 16 to 30% तक प्रोटीन हो सकता है, और एक वे प्रोटीन में कहीं भी 20% to 30% to 90% to 99% तक प्रोटीन हो सकता है. सो यहां पॉइंट प्रोटीन का नहीं है, यहां पॉइंट एनर्जी, यानी यहां पे पॉइंट आ रहा है वेट गेनिंग. आपने खाना खा चुके, आप डबल खा चुके, आप मीठा खा चुके, पर योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. मे बी इट्स नॉट एबल टू डाइजेस्ट सो मच फास्ट. सो वॉट यू नीड इज अ वेट गेनर, एंड वेट गेनर हेल्प करता है कई लोगों को ऐसे केसेस में. सो यस, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा दिस वेट गेनर. दिस इज फ्रॉम अ कंपनी एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन. ये वेट गेनर है, मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट इज स्ट्रॉबेरी, और इसके अंदर 74 grams, 100 grams में 74 grams कार्ब्स हैं, 12 gram प्रोटीन्स हैं, वेरी गुड फैट्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हुए हैं. तो इससे क्या होगा, व्हेन यू विल टेक इट,
खाना खाने के बाद जब एक से दो स्कूप ले लोगे या खाने के बीच में ले लोगे तो व्हाट विल हैपन, दिस विल गेट एब्जॉर्ब तुरंत एंड आपकी बॉडी में मील प्लस मील डबल मील का काम होगा एंड इंसुलिन स्पाइक होगा, एवरी शुगर एवरीथिंग विल गेट इनसाइड योर ब्लड सेल टिश्यूज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं इसमें, सो इट विल डेफिनेटली लीड टू सिग्निफिकेंट वेट गेन. सो ये वेट गेन के लिए है, चाहे आप पतले हो आपकी बॉडी बिल्डिंग का उद्देश्य है, चाहे सिर्फ वजन बढ़ाना है अच्छे दिखना है, बहुत बहुत पतले हो हेल्थ सही करनी है, इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं रखने हैं, यू कैन ट्राई एनी वेट गेनर. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच आई एम सजेस्टिंग. ये इसके कोई डीलर नहीं है, राइट? नकली प्रोटीन बहुत आते हैं, नकली गेनर बहुत आते हैं मार्केट में. सो इनका कोई डीलर नहीं है मार्केट में, कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा आपको अमेजोन पे और एब्जॉर्ब की साइट पे. ये डायरेक्ट कंपनी से आपके घर पे आएगा, बीच में कोई स्टोरेज एरिया नहीं है कि वे बदल सके. दिस इज वन ऑफ द थिंग. बाकी यस, इन्होंने बाकी सारे लैब टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन वो सब कर रखे हैं, बट देन आई डोंट सो मच ट्रस्ट ऑन दैट, क्वाइट फ्रेंकली. वो तो कोई भी रख सकता है, कैसे भी रख सकता है, बट ना दैट इज नॉट द पॉइंट. यहाँ पॉइंट है वेट गेनर्स है, वेट गेनर्स हैं. इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके खरीदिए, ट्राई करिए. वेट गेन हुआ नहीं हुआ मुझे बताइए कमेंट करके आफ्टर वाइल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो फॉर एवरीवन हु इज राइट, जो बहुत पतले हैं उनके लिए. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.